पिछले 2 साल में क्या हुआ? कोविड था, लेकिन हम सब ने सीख लिया था थोड़े दिन में कैसे उसके साथ अपने आप को बचाना है। लेकिन हम में से मेजॉरिटी ने बहुत डर और चिंता क्रिएट किया 2 साल के अंदर, और सबने एक दूसरे से कहा कोविड है, डर तो लगेगा ही, कोविड है, चिंता तो होगी ही, चिंता तो होगी ही, डर तो लगेगा ही। ये कहते कहते बहुतों ने डर और चिंता क्रिएट कर दिया। अब सिर्फ सोचना, ये हम आज ग्राउंड में बैठे हैं ना, कितने होंगे आज हम? अप्रॉक्सीमेटली 5,000। ओके, अब सिर्फ इसको देखिएगा, हम 5,000 मन बैठे हैं इस ग्राउंड के अंदर, ठीक है? इस समय अगर हम 5,000 मन शांति की स्थिति में बैठे हैं, तो इस ग्राउंड की एनर्जी में क्या फैल जाएगा? शांति फैल जाएगी। अभी अगर सडनली कोई स्टेज पर आता है और कोई एक ऐसी बात सुनाता है कि शहर में अचानक कुछ हो गया है या देश में अचानक अभी अभी कुछ हो गया है, और वो बात सुनते ही 5,000 मन डर और चिंता क्रिएट करते हैं, तो एक क्षण के अंदर इस पूरे ग्राउंड की एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, राइट है? होगी नहीं होगी? उसमें ग्राउंड ने कुछ नहीं किया, इस प्रकृति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ किसने किया? यहाँ रहने वाले हम 5,000 मन ने। तो पिछले 2 साल में क्या हुआ? हम करोड़ों करोड़ों मन ने कहा डर और चिंता नॉर्मल है, डर और चिंता नॉर्मल है, डर और चिंता नॉर्मल है। थोड़े दिन कहते कोई बात नहीं, थोड़े महीने कहते तो कोई बात नहीं, हम तो 2 साल से डर और चिंता बोलते गए। तो आप सोचो सृष्टि पर क्या फैल गया होगा इस 2 साल के अंदर। अब अगर हम अपने आप से पूछें क्या वो मेरा कर्म गलत था, तो हम कहेंगे नहीं नहीं क्या इसमें क्या गलत था, कोविड था तो डर तो लगने ही वाला है। लेकिन मैंने अपने मन का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा, मैंने अपने मन को शक्तिशाली नहीं बनाया, मैंने अपने मन को निडर नहीं बनाया, और 2 साल या 1 साल मैंने सृष्टि के वातावरण को दूषित कर दिया डर फैलाकर। ये क्या मेरा सही कर्म बना? अब दूसरी चीज़ देखिएगा क्या होगा, अभी देखना है इस टाइम क्या होगा, ठीक है? हम 5,000 में से कोई एक जना अभी बैठा है जिसको पहले से ही बहुत डर लगता है, उसका संस्कार है डरने का, लेकिन वो ठीक है, अभी आराम से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम 5,000 लोग डर क्रिएट करते हैं और वो डर की एनर्जी के अंदर वो एक व्यक्ति जिसको पहले से ही डर लग रहा है वो बैठा है, और वो 5,000 मन का डर जब उस तक पहुंचेगा तो उसका डर क्या हो जाएगा? उसका डर क्या हो जाएगा? उसका डर इतना गुणा बढ़ जाएगा कि वो कोई ऐसा कर्म कर देगा। लेकिन जब वो कोई ऐसा कर्म करेगा, हम उसकी तरफ उंगली रखेंगे और हम कहेंगे उसने गलत कर्म किया। क्या उस कर्म का जिम्मेवार सिर्फ वो था? क्या उस कर्म का जिम्मेवार सिर्फ वो था? हाँ या ना? उस कर्म का जिम्मेवार कौन कौन था? हाथ उठाओ जिसको लगता है उस कर्म का जिम्मेवार मैं था, क्योंकि मैंने भी डर क्रिएट किया। और ये हमें पता ही नहीं हम इस तरह से कितने कर्म कर रहे हैं। अब सृष्टि पर इस समय कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, और जितना कुछ इस सृष्टि पर इस समय हो रहा है वो 5 विकारों से हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुबह सुबह हम अखबार उठाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, किसी ने किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया, और हम सब बैठकर चिंतन करते हैं और बातें करते हैं, उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया, गलत किया। लेकिन उस कर्म के कहीं ना कहीं हम भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम अपने संकल्पों से सृष्टि के ऊपर काम विकार की एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं।
फिर कहीं हम एक समाचार सुनते हैं किसी ने हिंसा का कर्म किया, हम कहते हैं उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया, लेकिन उस कर्म का हम भी हिस्सेदार हैं क्योंकि हम अपने क्रोध के संस्कार से हिंसा की एनर्जी पूरे सृष्टि पर फैलाते हैं और वो एनर्जी किसी के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि उसका क्रोध सिर्फ सोच में नहीं, उसका क्रोध सिर्फ शब्दों में नहीं, उसका क्रोध व्यवहार में आ जाता है और वो किसी और की हिंसा कर देता है। हम कहते हैं उसने गलत काम किया, उस कर्म का हिस्सेदार हम हैं। तो जितने भी सृष्टि पर इस समय गलत काम हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से हो रहे हैं और वो कर्म सृष्टि पर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस कर्म के जिम्मेवार सिर्फ वो लोग नहीं होते हैं जो वो कर रहे हैं, उस सृष्टि का जिम्मेवार, उस कर्म का जिम्मेवार हर वो आत्मा होती है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, क्योंकि मुझसे वो वाइब्रेशन निकल कर पूरी सृष्टि पर फैल रही है। तो हमारे से बहुत सारे गलत कर्म हो रहे हैं और हमारे इन कर्मों की वजह से हमारी सृष्टि क्या बन गई, कौन सा युग कहेंगे इसको हम, इसको कौन सा युग कहेंगे हम, इसको कलयुग कहते हैं। अब तो हम इसको कलयुग भी नहीं कहते, हम इसको घोर कलयुग कहते हैं, कहते हैं ना घोर कलयुग। अब ये घोर कलयुग में पाप कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म सिर्फ वो नहीं जो व्यवहार में हो रहे हैं, पाप कर्म वो जो सोच में हो रहे हैं। तो आज अगर हम सचमुच में अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं और सृष्टि को परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली अर्थात सृष्टि पर स्वर्णिम भारत, दिवाली अर्थात जहाँ एक एक दिया जल जाएगा, जहाँ चारों तरफ रोशनी आएगी, जहाँ दिव्यता का श्री लक्ष्मी का आह्वान होगा, जहाँ मिठास ही मिठास होगी, वो दिवाली है। लेकिन दिवाली आने से पहले क्या आया था, दिवाली आने से पहले दशहरा आई थी। दशहरा के बिना दिवाली नहीं आ सकती है, अर्थात वो 10 विकारों वाले रावण को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक दिया नहीं जल सकता, दिवाली नहीं आ सकती। और दशहरा आने से पहले क्या आया था, नवरात्रि आई थी। तो जब तक नवरात्रि नहीं आएंगी तब तक दशहरा नहीं आ सकता, जब तक दशहरा नहीं आएगा तब तक दिवाली नहीं आएगी। नवरात्रि अर्थात क्या, व्रत, सात्विकता, पवित्रता, जागरण, दिव्यता और शक्ति का आह्वान, ऊपर से नहीं अंदर से, अपने अंदर से दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है। कैसे करेंगे, वृत्ति को शुद्ध बनाने का व्रत लेकर, सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं, वो तो अच्छा होता है, खाने पीने का व्रत करना बहुत अच्छा होता है, हम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पाते हैं, हम अपने मन पर भी जीत पाते हैं, लेकिन व्रत अर्थात वृत्ति को परिवर्तन करने का व्रत। तो 9 दिन अगर हम सात्विकता लाते हैं, पवित्रता लाते हैं, शुद्धता लाते हैं, जागरण करते हैं, जागरण मतलब अज्ञान की नींद से उठना, गलत सोचने का तरीका, गलत संस्कारों से जागरण करते हैं, तो 10वें दिन रावण खत्म होता है। अब हमने क्या किया, देवियों का आह्वान किया तो कहाँ किया, बाहर किया, रावण को जलाया तो कहाँ जलाया, बाहर जलाया। अब दिया भी जला देंगे तो कहाँ जलाएंगे, दिवाली के दिन बाहर जला देंगे, फिर दिवाली खत्म हो गई, फिर कहते हैं अब अगले साल फिर दिवाली आएगी और हम वैसे के वैसे। तो इस बार वो नहीं करना है, दिवाली पर, और कुछ घरों में तो हर रोज़ स्वास्तिक बनाया जाता है, पूजा करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं ना, स्वास्तिक, स्व का अस्तित्व है स्वास्तिक, 4 भागों का बना हुआ है। अभी ड्रॉ कीजिएगा सामने, स्वास्तिक को ड्रॉ कीजिएगा अभी सामने, हो गया ड्रॉ, 4 भाग है और चारों भाग इक्वल होते हैं, राइट। अब चारों भाग के हाथ देखना कैसे होते हैं, ये चारों भाग
सृष्टि के चार युग का प्रतीक है। पहला भाग सत्ययुग, दूसरा भाग त्रेता युग, तीसरा भाग द्वापर युग और चौथा भाग कलयुग। अब ये चार भाग देखना तो फिर पुण्य कर्म कैसे करना है वो पता चलेगा। ठीक है, हाथ ऐसे रखें, पहले भाग में ऐसे है हाथ, रख लो हाथ, दिख गया? सत्ययुग मतलब क्या, सत्ययुग मतलब क्या, क्या करना, बोलिए जोर से, सत्ययुग मतलब क्या करना? देना, ऐसे दुआएं आशीर्वाद देना देना देना। त्रेता युग में हाथ नीचे हो जाता है, दूसरा भाग हाथ नीचे। तीसरा भाग द्वापर युग, तो तीसरे भाग में हम किधर पहुंच के, चाहिए चाहिए चाहिए, देना देना खत्म। पहला युग क्या था? देना देना देना। दूसरा युग क्या था? देना बंद नीचे। तीसरा युग क्या था? तीसरा भाग, चाहिए चाहिए। चौथा भाग दिखा, कौन सा भाग है? ऐसे बाय बाय वाला नहीं है, ऐसे वाला है, ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वाले भाग के बाद अगला भाग कौन सा आ रहा है? ऐसे 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 और ऐसे, इस वाले भाग के बाद अगला भाग कौन सा आ रहा है? इस वाले भाग के बाद अगला भाग ये आ रहा है। तो पुण्य कर्म अर्थात कलयुगी संस्कारों को सत्ययुगी संस्कार बनाना, ये है पुण्य का कर्म। क्योंकि जो अपने कलयुगी संस्कारों को अब सत्ययुगी संस्कार बनाएंगे, वो सिर्फ खुद के संस्कारों को नहीं बनाएंगे, वो इस सृष्टि को कलयुग से सत्ययुग बनाने में अपना योगदान देंगे, वो है पुण्य कर्म। रेडी हैं करने के लिए? रेडी हैं करने के लिए? रेडी करने के लिए वापस लेकर आइए। 5000 हम मन हैं, एक मन यहाँ बैठा है बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है, लेकिन हम 5000 मन बहुत शक्तिशाली है, एकदम शांत एकदम स्थिर। तो ये जो डरा हुआ मन था, जो कुछ गलत करने की सोच रहा था, या ये जो गुस्से वाला मन था जो कुछ गलत करने की सोच रहा था, या ये काम विकार वाला मन था जो कुछ गलत करने की सोच रहा था, जब 5000 मन के अंदर शुद्धता आएगी तो उसका प्रभाव इस एक पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हमारे प्रभाव से कोई गलत भी कर सकता है और हमारे ही प्रभाव से कोई गलत करने वाला, कोई गलत करने वाला परिवर्तन होकर सही मार्ग पे भी चल सकता है, वो है पुण्य का कर्म, पुण्य का कर्म। तो आज से हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन में दिवाली लानी है, इसीलिए दुनिया में कहते हैं सिर्फ 4 दिन की दिवाली है। किसी के घर थोड़े दिन धन दौलत बहुत आती है, चकाचौंध होती है, कहते 4 दिन की दिवाली है, मतलब 4 दिन के बाद वैसे के वैसे। तो हमें 4 दिन की दिवाली नहीं मनानी है, हमें सही मायने में दिवाली मनानी है। और ये वाला हाथ ऐसे, मतलब दिया जलाना, दिया अभी भी दिया जलाया ना, हर कार्य में दिया जलाते हैं, पहले घर में भी दिया जलाते हैं। और कहते हैं दिया जलाना क्या होता है? शुभ होता है। अगर दिया बुझ जाए, क्या बोलते हैं, अगर दिया बुझ जाए तो क्या होता है? अशुभ होता है। तो थोड़ा सा भी दिया जब ऐसे ऐसे होने लगता है, हम दिए की तरफ भागते हैं और दिए को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। दिया बुझना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला पुण्य कर्म, दिया बुझना नहीं चाहिए। कौन सा दिया, कौन सा दिया? वो वाला दिया नहीं, वो बुझता है तो हम फिर से जला सकते हैं उसको, वो वाला दिया बुझने से कभी कुछ अशुभ नहीं होगा। लेकिन मेरे संस्कारों में जो दिया का संस्कार है, क्या देना है मुझे? प्यार देना है, सम्मान देना है, सुख देना है, सबको देना है, हमेशा देना है। और मुझे कभी भी ऐसे नहीं खड़े होना लोगों के सामने कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ये चाहिए वाला हाथ द्वापर युग का संस्कार है। क्या ऐसी जीवन हो सकती है जहां हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए हो, हम सिर्फ देने वाले बन जाएं?
मतलब स्थूल चीजें नहीं, सूक्ष्म प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे किसी से महिमा चाहिए, मुझे नाम मान शान चाहिए, मुझे पूछा नहीं, मुझे आगे बिठाया नहीं, मुझे ये किया नहीं, वो किया नहीं, चाहिए। आपको अपना हाथ कैसे अच्छा लग रहा है? ऐसे वाला अच्छा लग रहा है, ऐसे वाला अच्छा लग रहा है? बताओ कैसे, कौन सी फीलिंग अच्छी आती है, ऐसे वाली या ऐसे वाली? ऐसे वाली ना। फिर सारा दिन मैं चेक करूँ हम कितना ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, कितना खड़े रहते हैं। किसी की 2 मिनट हमसे प्यार से बात करने के लिए हम ऐसे खड़े रहते हैं, मुझसे अच्छे से बात करो, ऐसे। जितना हम मांगते हैं, जितना हम चाहिए की साइड पर रखते हैं, उतना हमारे अंदर घटता जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे चाहिए। चलो इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, पूरे शहर में फैलने दो और आपके आपके घर तक भी पहुंचने दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओहो, ये तो ग्राउंड तक भी नहीं पहुंचा, आपके घर तक पहुंचना है, ताकि जब आप घर पहुंचोगे वो बोलेंगे आपने बोला था मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी के सामने नहीं खड़े होना, मुझसे अच्छे से व्यवहार करो तब मैं खुश होंगी, मुझसे प्यार से बात करो तब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक से बात करोगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी। नहीं, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, मैं आपको सुख देने वाली आत्मा हूँ, आपसे मांग कर खुद को सुखी बनाने वाली नहीं आत्मा हूँ। ये सिर्फ एक कंडीशनिंग होती है, हम ऐसा सोचते जाते हैं तो वैसा बनते जाते हैं,